अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपको इल्म है कि हमने थर्ड वाले पॉइंट को शुरू किया हुआ था जिसका नाम है लवलीस्ट ऑब्जर्वेशन द चेरी नाउ। स्टूडेंट, पहले वाले स्टैंड तक की रीडिंग, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन के बाद आज हम सेकेंड वाले स्टैंड की तरफ जाएंगे। सेकेंड वाले स्टैंड की तरफ जाने से पहले मैं एक बात आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको इलम भी है कि फर्स्ट वाले स्टैंजा में शायर चेरी दरख्त की खूबसूरती के बारे में बात करता है, जबकि सेकेंड वाले स्टैंजा में शायर अपनी एज के बारे में बात करेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। नाउ ऑफ माई 3 school years and 10, 20 विल नॉट कम अगेन and take from 70 springs his course, it only leaves me 50 more. Now of my 3 score years and 10, पूरा जहाँ स्कोर का मतलब 20 है, 20 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाएगा, यानी 60 years and 10, और 10 को मतलब जो 10 को ऐड करें तो 70 बन जाएगा। शायर के मुताबिक उसकी जो उम्र है, ठीक है, वो जो अपनी एज है वो 70 ईयर एक्सपेक्ट करता है। 20 विल नॉट कम अगेन, मतलब 20 साल जो है ना उसमें से वापस नहीं आएंगे, यानी शायद कि 20 साल की उम्र हो गई है, 20 साल वो गुजार चुका है। किस वजह से वो कहता है कि 20 साल जो उसने गुजार दिए हैं ना वो वापस नहीं आएंगे। ऊपर वाली लाइन में शायद जो अपनी एज 70 साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि इंजील मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है कि एक इंसान की जो एवरेज जिंदगी है वो 70 साल है, यानी औसत एक इंसान का जो रहने दुनिया में रहने का जो दौरानिया है, जो वक्त है, जो अरसा है, वो 70 साल है। इसलिए शायद भी यही उम्मीद करता है कि उसकी उम्र भी 70 साल है। 20 विल नॉट कम अगेन का क्या मतलब है, 20 साल वापस नहीं आएंगे, यानी उसकी उम्र 20 साल हो गई है, 20 साल वो गुजार चुका है, इस वजह से वो कह रहा है कि 20 साल उसके वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स इज कोर, 70 स्प्रिंग्स 70 बहारों में से 20 को क्या करें, स्कोर का मतलब मैंने पीछे बताया 20, इसको क्या करें, टेक का मतलब यहाँ पे माइनस करना है, निकालना है, ठीक है। 70 स्प्रिंग्स में से ये स्कोर, यानी एक 20 को निकाल दें, 70 बहारों में से 20 बहारों को निकाल दो, फिर इट ऑनली लीव्स मी 50 मोर, तो कहते सिर्फ और सिर्फ फिर कितने रह जाएंगे, मजीद 50 साल रह जाएंगे। 70 साल को ऊपर बता रहा था ना, तो मजीद अगर हम एक स्कोर को निकाल दें 70 स्प्रिंग्स में से, तो फिर मजीद कहते सिर्फ और सिर्फ मजीद 50 साल रह जाएंगे। शायद आखिरी दो लाइनों में ये बताना चाह रहा है कि लामहदूद नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए जो उसके 50 साल का जो दौरानिया रह गया है, वो लामहदूद खूबसूरती को देखने के लिए ना काफ़ी है।